इटावा के विवादित मौलाना जर्जिस अंसारी को एक युवती को शादी का झांसा देकर रेप करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धमकी देने के मामले में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया है। ये बेशर्म मौलाना सजा की घोषणा के बाद भी अदालत से मुस्कुराता हुआ निकलता है। जर्जिस के कारनामे जानने के बाद आपको भी इस घिनौने शख्स से नफरत हो जाएगी। बता दें कि इटावा का मौलाना जर्जिस कई बार विवादित और भद्दे बयान दे चुका है। उसने ये भी कहा था कि अगर औरत प्रेग्नेंट भी है तो भी वो अपने पति को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। जर्जिस की सोच और जुबान ही गिरी हुई नहीं है, वो खुद भी बेहद घटिया आदमी है। 2015 में पीड़िता ने जर्जिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि वर्ष 2013 में उसका परिचय मौलाना से हुआ था। जर्जिस ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। जर्जिस ने महिला को कई बार जान से मारने की धमकी भी दी। लगभग 6.5 साल बाद आज वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जर्जिस को कठोरतम सजा देते हुए 10 साल की कैदे बामुशक्कत और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।